कुछ उनकी प्रतिक्रिया इस जीत के बाद? कि जो 2014 में जो प्रदर्शन हुआ है उससे अधिक बेहतर प्रदर्शन होगा। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी उससे पहले आप पे कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था और आपने दावा किया था कि परिणाम आने दीजिए 2014 में जो हुआ था उससे बेहतर होगा, क्या कारण था इसका? देखिए, मैंने सवेरे भी आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने एक तरफ विकास की गंगा बनाई है और दूसरी तरफ जो संगठनात्मक मजबूती की है, और इसलिए निश्चित रूप से हम 2014 से ज़्यादा सीट दें। और आज जिस प्रकार के परिणाम आए, मैं कहता हूँ विरोधियों को अब समझ जाना चाहिए कि जनता किसके साथ खड़ी है। जनता देश का मजबूत प्रधानमंत्री देखना चाहती है, जनता गरीबों का मसीहा देखना चाहती है, जनता हिंदुस्तान का विकास देखना चाहती है, जनता हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। और उसी भाव से आज जिस प्रकार से मतदान हुआ है, आपने मुझे हमारे मूल जो पहले सीटें थी कहा था, आप देखिए गुजरात में हम 26-26, राजस्थान में 25-25, बल्कि मध्य प्रदेश में तो सीट बढ़ा करके हम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी सीट बढ़ा करके आ रहे हैं। कुल मिलाकर के जनता ने, हिंदुस्तान के आम मतदाता ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार किया है और वो चाहते हैं कि मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री परमानेंट बना रहे। और इसलिए हम तो पहले ही कहते हैं कि विरोधी अगर सोचे तो चॉइस की सोचे, और अब तो मुझे लगा जिस प्रकार का जनता ने वर्डिक्ट दिया है अब चॉइस भी उनके लिए मुश्किल है। जिसने वर्डिक्ट दिया है, लेकिन हमने देखा पूरा प्रचार भी हुआ है नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए, फिर भी मुख्य रूप से क्या दो प्रमुख कारण रहे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वापस की है? सिर्फ नरेंद्र मोदी या फिर संगठन या फिर काम? देखिए, हमारी पार्टी सामूहिक रूप से काम करती है, नो डाउट। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री बनते ही पहला, अगर उनका भाषण आपको याद, उनका मेरी सरकार गांव गरीब को समर्पित होगी, और इसलिए मोदी जी ने जो पहला स्लोगन दिया और जो काम किए, जितनी योजनाएं लागू की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज सीधा खाते में पैसा जा रहा है। अब वो दिन गए कि यहाँ देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 85 रुपये बीच में गायब हो जाते हैं। आज 100 का 100 रुपया गांव के व्यक्ति तक पहुँच रहा है। पहली बार पूरी दुनिया ने, अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एक्शन प्राइम मिनिस्टर, रशिया को कहना पड़ा भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता। इसलिए मोदी जी का एक विकास का एजेंडा, और हम पहले दिन से विकास का एजेंडा लेके चले थे, और उसके साथ साथ संगठन ने जो कुशल सारी रचना की है सब जगह, वो भी साथ साथ दोनों एक साथ जाकर के काम किया। आपका भी काफ़ी योगदान रहा है, गुजरात में जो आपको जिम्मेदारी दी थी पूरे में से पूरे नंबर, काफ़ी विवाद हुए हैं, अभी भी कुछ विवाद चल रहा था, तो वो सवाल भी आप आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री से बात हो गई, आपकी बधाई दे दी आपने। निश्चित रूप से मैंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, और विशेष करके गुजरात के बारे में लोगों ने एक भ्रम पैदा किया था। गुजरात में आज प्रभु कृपा से प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से 26 की 6, आखिर में मुझे 5-7 दिन भोपाल भेजा गया, लेकिन आज जो भोपाल के मैं रिजल्ट देख रहा हूँ उसमें भी दिग्विजय सिंह जी बुरी तरह से हार रहे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से मैंने बात बधाई दी है, और उनको भी कहा है कि साहब आपकी योजनाएं पूरे देश भर में लोगों को अपील किए, अब देश के आप सर्वमान्य नेता हो। राजस्थान आपके दिलों में बसा है हमेशा ही और जड़ों से जुड़ाव रहा है, लोग ये देखना चाहते हैं कि अब ओम माथुर की आगे भूमिका क्या होगी? मैंने आपको सवेरे भी आपके प्रश्न पर ये कहा था, हमारे यहाँ भूमिका पार्टी तय करती है, और पार्टी जो भी निर्णय करे उस निर्णय को ओम माथुर ने स्वीकार किया है। मैं वर्षों से लगातार भिन्न भिन्न प्रांतों में काम को मुझे दिया, अब जो भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट बोर्ड जो भी काम देंगे, निश्चित रूप से मेरी क्षमता मेरी शक्ति के अनुसार मैं वो काम करता रहूँगा। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि मुद्दों के आधार पर या जो भी मोदी के चेहरे के आधार पर काम के आधार पर जीते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर एक बार EVM पे सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस तो 542 सीटें और हर सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और लगातार सुबह से ही